को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था तीन ताल का शुद्ध ठेका, तीन ताल को विलंबित लय में कैसे बजाया जाए और तीन ताल की ताली और खाली। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और मेरे वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के मध्य में या अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आपको मेरे को कमेंट्स में देना है। अब बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज का लेसन है दादरा ताल के बारे में, दादरा ताल को कैसे बजाया जाता है, दादरा ताल के शुद्ध बोल और दादरा ताल की ताली और खाली। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। दादरा ताल के शुद्ध बोल हैं धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना। इसकी ताली खाली है धा धिन ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना। बहुत ही इजी ताल है, बहुत ही आसान ताल है। एक ताली है और एक खाली है, तीन तीन के दो भाग हैं, टोटल छह मात्राएं हैं। पहली बीट पे ताली है और चौथी बीट पे खाली है। तो बोल कैसे बनेगा, धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना। तो अब इन्हीं बोलों को तबला पर बजाकर देखते हैं। बोल हैं धा धिन्ना धा तिन्ना, इनको बजाकर देखते हैं। धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा। इस ताल में भी तबला पे मुख्यतः ता और तिन के बोल ही बज रहे हैं, ता तिन। तो हाथ इसी प्रकार चलता रहेगा, पूरी ताल में ये उंगलियां तबला के साथ जुड़ी रहेंगी। अब डग्गा में आपने कोशिश करनी है कि एक के बाद एक उंगली चलती रहे। धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना। पूरा बोल बजाकर देखते हैं। धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा। अब एक एक बोल को देख लेते हैं। धा, धा में डग्गा का प्रयोग होगा और ता किनार पर बजेगा। धा धिन, तिन का बोल आधा स्याही पे और आधा मैदान पे, तिन और डग्गा ऐड होगा धिन, बोल बन गया धा धिन धा धिन। अब बोल है ना का, ना का बोल जिस प्रकार ता बजता है उसी प्रकार किनार पे बजेगा। ता और ना में कोई भिन्नता नहीं है, मैं इस पे एक पूरा वीडियो बना चुका हूं कि किस प्रकार ये बोल अलग हुए, ता और ना किस प्रकार अलग प्रोनाउंस किए जाते हैं। पर बजाने में तबला में ये दोनों बोल एक ही प्रकार से बजते हैं, ता और ना। पखावज में ये दोनों बोल अलग हैं, ता इस प्रकार बजता है और ना का बोल पहली उंगली से बजता है। तबला में ये बोल एक ही प्रकार से बजाए जाते हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो बोल है धा धिन्ना, ना किनार पे बजेगा जिस प्रकार ता बजता है। बोल है धा धिन्ना धा धिन्ना। धिन का बोल ध्यान से बजाना है, धिन का बोल बहुत ही जरूरी है। अगर आप अभी इस पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद ये आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। पूरा बोल देखते हैं। धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना। वन टू थ्री स्टार्ट। धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना। तो यहाँ मैं वीडियो को बीच में रोकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। आज का सवाल है कि आधुनिक तालों में ऐसी कौन सी ताल है जो सबसे छोटी मानी जाती है। मैं सवाल दोहराता हूँ, आधुनिक तालों में ऐसी कौन सी ताल है जो सबसे छोटी मानी जाती है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, मुझे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर भेजिएगा। जो सही जवाब होंगे मैं उनका रिप्लाई भी करूंगा। तो आइए वापस बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ।
इस ताल को ज्यादातर मध्य लय में ही बजाया जाता है। कभी कभी ये द्रुत लय में सुनने को मिलती है, उसमें बोल इसके बदल जाते हैं। द्रुत लय में आने से इसके बोल बदल जाते हैं। मैं इस वीडियो में उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और इस बोल को विलंबित लय में नहीं बजाया जाता है। जब इस तरह की कोई ख्याल गाया जाता है तो उसमें एक ताल को ही चुना जाता है, क्योंकि 12 मात्रा है, इससे डबल की ताल है। एक ताल पे ही वो बंदिश गाई जाती है। दादरा ताल में विलंबित बंदिश नहीं गाई जाती, क्योंकि ये पुरातन तालों में नहीं है, ये आधुनिक तालों में आती है, इसलिए इसमें पुरानी ख्याल कॉम्पोजिशंस हमें नहीं देखने को मिलती। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो सवाल आपसे पूछा है, आप उसका जवाब मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सही जवाब का रिप्लाई भी करूँगा और वेट करूँगा कि कौन कौन मुझे रिप्लाई करता है। तो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, जयसाहब तबला लेसन या जयंत पटनायक तबला लेसन, सारे वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगे। जिन्होंने पुराने मेरे वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, मैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोज़ जल्दी से जल्दी उपलब्ध होते रहें। मैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।